हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी के बारे में कि आप जो है अनअकैडमी पे ओरिएंटेशन लेसन कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अनअकैडमी पे एजुकेटर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसी स्टेप का एक हिस्सा है कि आपको जो है ओरिएंटेशन लेसन तैयार करने होते हैं। तो ये जो है ओरिएंटेशन लेसन कैसे तैयार करने हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अनअकैडमी पे एजुकेटर बनने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं, उस पर मैं जो है वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो इसीलिए आज पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगी कि क्या क्या करना पड़ता है, बस ओरिएंटेशन लेसन के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप ओरिएंटेशन लेसन बनाते हैं तो आपको जो है 5 ओरिएंटेशन लेसन बनाने होते हैं, वो भी एक ही कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो कोई भी एक कोर्स चुन लीजिए आप, जैसे आप हिंदी का कोर्स चुन लीजिए, या जो है आप इंग्लिश चुन लीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट चुन लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट चुन लीजिए और उसी से रिलेटेड आपको 5 लेसन बनाने होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने हिंदी चुन लिया और आप जो है साइको का लेसन डाल रहे हैं उसके अंदर, तो ये चीज़ नहीं करनी है। कौन सा कोर्स चुना है उसी के लेसन आपको डालने हैं, ठीक है। तो ये लेसन किस तरीके से बनाने हैं आज उसको जानेंगे। तो यही कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अपने लेसन बनाते टाइम, तो एक एक करके ही सबको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो कि मैं साथ में लेते हुए चलूँगी, ठीक है। तो सबको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि आपको जो है 12 से 15 मिनट का लेसन बनाना होता है, यानी कि आपका एक लेसन जो है वो 12 से 15 मिनट का बनेगा। 12 मिनट से पहले का, यानी कि 11 मिनट 11 मिनट 50 सेकंड, इस टाइप के आपको लेसन नहीं बनाने हैं, पूरा का पूरा 12 मिनट के बाद का ही लेसन रखें। तो मैं आपको कहूँगी कि 13 मिनट या 14 मिनट ऐसे लेसन आप रखिए, ठीक है ना। लेसन की लेंथ इतनी रखिए कि 12 मिनट से 14 मिनट में वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और पूरा टाइम खींचना है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई 11 मिनट 59 सेकंड आप पढ़ा दिए हैं, तो ये नहीं, पूरा 12 मिनट इस तरीके से, ठीक है। तो ये है कि 12 से 15 मिनट का आपको लेसन एक रखना है, एक लेसन 12 से 15 मिनट का। आगे देखिए, उसके बाद है कोई भी कॉपीराइट कंटेंट आपको अपने लेसन में नहीं रखना है। कॉपीराइट कंटेंट का ये मतलब है कि आपने कोई भी किसी वेबसाइट से कोई इमेज उठा ली और वो अपने लेसन में डाल दी, इसके अलावा किसी बुक से कोई क्वेश्चन उठा लिया वो अपने लेसन में डाल दिया, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको खुद का अपना जो है कुछ क्रिएट करना है। अगर आपको चित्र भी बनाना है अपने लेसन में तो आप किसी बुक से देख के चित्र बना लीजिए, लेकिन ये नहीं कि आपने जो है फोटो खींच ली और उसको अपने लेसन में अपलोड कर दिया, तो वो कॉपीराइट कंटेंट में जाएगा, ठीक है ना। तो कॉपीराइट कंटेंट कोई भी यूज़ नहीं करना है। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि अनअकैडमी के जो दूसरे टीचर हैं उनके ही लेसन का कुछ अच्छा सा जो है उनको कुछ पसंद आ जाता है, कोई ड्राइंग वगैरह, है ना, तो उसको ले लेते हैं और उसको अपने लेसन में डाल देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, वो कॉपीराइट कंटेंट में आ जाएगा तो आपका लेसन बिल्कुल भी अप्रूव नहीं होगा। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कई बार ट्राई करते हैं लेकिन उनके 5 लेसन अप्रूव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, खुद का क्रिएट कीजिए और हम कर सकते हैं, है ना, हम अच्छे अच्छे क्रिएट खुद भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद देखिए, पर्सनल डिटेल आपको नहीं देनी होती अपने लेसन में, कि आप जो है बता रहे हैं कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे को फॉलो कर लो, या इसके अलावा आप जो है अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं, अपनी ईमेल आईडी दे रहे हैं, तो कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं देनी है अपने लेसन के टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए, रेशियो, तो जब भी आप अपने लेसन को क्रिएट करते हैं तो आपको उसकी फ़ोटो खींचनी होती है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आपको उसकी फ़ोटो खींचनी होती है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो में किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, तो आज इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि आपको पिक क्लिक करनी होती है। तो जब भी आप पिक क्लिक कर रहे हैं अपने लेसन का, जो भी आपने लिखा है, है ना, तो जब भी लिखे हुए की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो रेशियो का ध्यान रखें कि जो रेशियो है वो होनी चाहिए 16:9, ठीक है। कैमरे की जो नॉर्मल रेशियो होती है वो हमारी ये नहीं होती है, तो आपको चेंज करनी पड़ेगी और चेंज करके करनी पड़ेगी 16:9, ठीक है। तो रेशियो यही होनी चाहिए, ये रेशियो करके ही आपको जो है फ़ोटो खींचनी है, पिक क्लिक करनी है। और जब भी फ़ोटो खींचे तो आपको लैंडस्केप में खींचनी है अपने लेसन की फ़ोटो, वो पोर्ट्रेट में नहीं खींचनी है, लैंडस्केप में खींचनी है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से खींचनी है, ठीक है, लैंडस्केप में। इसके अलावा देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो है पूरा का पूरा लेसन जो है आप कलर से बना सकते हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, है ना। और अनअकैडमी वाले बोलते हैं कि आप जो है पूरा का पूरा लेसन अनअकैडमी से बनाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं अगर आपको अपनी खुद का वो बताऊँ तो मेरे को तो जो है पसंद है पेन से लिखना
थोड़े बहुत हेडिंग मैं कलर से लिख देती हूँ और बाकी सारा कुछ मैं पेन से लिखती हूँ, तो वो भी चीज़ें चल जाती हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको क्या अच्छा लगता है, कलरफुल अच्छा लगता है तो आप पूरा कलर से लिखिए, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर निर्भर करती है ये चीज़, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको क्या पसंद है, उस हिसाब से लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हैंड रिटन नोट्स, तो कुछ बच्चे जो है PPT तैयार करते हैं, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और कुछ जो है अपने हाथों से ही लिख के नोट्स तैयार करते हैं। तो मैं जो है प्रेफरेंस देती हूँ हैंड रिटन नोट्स को, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में आप अपनी जो है क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। आप बहुत अच्छे से ड्राइंग करते हैं तो आप जो है अपनी ड्राइंग दिखा सकते हैं, है ना, कि अपने लेसन में ही आपने एक अच्छी से ड्राइंग बना दी, तो अपने आप जो आपके जो लर्नर्स हैं देख के उनको भी अच्छा लगेगा। तो क्या है कि आप जो है हैंड रिटन नोट्स, मेरे मैं आपको कहूँगी कि हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है ना, अच्छे से अट्रैक्टिव से और ड्राइंग्स वगैरह के साथ इस तरीके से। उसके बाद है लेस इज़ मोर, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, लेस इज़ मोर, यानी कि जो आप लिख रहे हैं अपने नोट्स में तो लिखने का जो आपकी चीज़ है उसको कम रखिए, एक्सप्लेन ज़्यादा कीजिए। ये नहीं कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर अपने नोट्स में उतार दिया और उसी को बोले जा रहे हैं लगातार, ये चीज़ नहीं करनी है। कम लिखना है, यानी कि मेन मेन पॉइंट्स आपको अपने लेसन में लिखने हैं, लिखने में रिटर्न वर्क में मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने में पूरा एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ये नहीं कि आपने जो लिखा है मेन मेन पॉइंट उसी को एक्सप्लेन कर दे, दो तीन वर्ड आपने बोल दिए ख़त्म कर दिया, ये चीज़ नहीं करनी है। एक्सप्लेन आपको पूरा डिटेल में करना है और लिखना जो है आपको मेन मेन पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मतलब लेस इज़ मोर के कॉन्सेप्ट पे काम करना है, लिखिए कम, एक्सप्लेन अच्छे से कीजिए, पूरा कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आप लेसन को रिकॉर्ड करने लगते हैं, यानी कि आपने जो है पिक्चर्स डाल दी हैं अनअकैडमी के ऊपर, अब आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, वो बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए प्लेस, यानी कि जहाँ पे भी आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वहाँ का वातावरण कैसा है, यानी आपके आसपास में शांति होनी चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, यानी आपके आसपास का वातावरण शांत हो, किसी तरीके की कोई आवाज़ ना हो, शोर ना मच रहा हो, ये ना कि कुत्ता भौंक रहा है और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, है ना। तो आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके पास कोई माइक्रोफोन है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ऐसे भी काम चल जाता है अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में शांति है तो। जैसे कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा शांति रहती है, कोई रहता नहीं है मतलब आसपास, है ना, तो मैं तो किसी तरीके का माइक्रोफोन या लीड वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आप भी आपकी मर्ज़ी है, करना चाहे तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन ये देखिए कि प्लेस आपका शांत हो। उसके अलावा देखिए ऑडियो, कुछ लोगों की मतलब मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि वॉइस मॉड्यूलेशन का क्या है, क्योंकि हमारा जो है वॉइस मॉड्यूलेशन कह रहे हैं कि आपके लेसन में वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है और इसीलिए हमारा लेसन जो है उन्होंने अप्रूव नहीं किया। तो वॉइस मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है, तो देखिए वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है कि आप अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लेकर आइए, है ना, जहाँ पर ज़रूरत है, जिस चीज़ पर जोर देने की ज़रूरत है उस चीज़ को ज़ोर से बोलिए, ज़्यादा जोर दे के बोलिए, है ना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर जोर दीजिए, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको ऐसे ही आराम से फ्लो में बोल दीजिए। इसके अलावा देखिए कि जो जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको आप जो है ध्यान से बोलिए, थोड़ा सा रुक जाइए वहाँ पे, ताकि आपके बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। तो वॉइस मॉड्यूलेशन यही है कि एक सुर या एक लय और ताल में आप पूरा का पूरा चैप्टर बोलते मत जाइए, जो चीज़ आपने लिख रखी है उसे एक्सप्लेन ऐसे ही मत करते जाइए, आवाज़ में थोड़ा सा वो करिए, है ना, थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाइए, जहाँ पे पॉज आपने दे रखा है, पूर्ण विराम लगा रखा है, वहाँ पे अपनी आवाज़ में थोड़ा सा पॉज दीजिए, है ना, कॉमा लगा है वहाँ पे थोड़ा सा पॉज देके चलिए, तो इस तरीके से चलेंगी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हाइलाइटर, कि आप जो है हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जो आपके मेन पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर में उसको दिखाने के लिए, कि देखो बच्चों ये एक मेन पॉइंट बनता है हमारा, एक मेन क्वेश्चन बनता है, वहाँ पे आप हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइलाइटर का ऑप्शन आपको जो है अनअकैडमी की ही ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं हाइलाइटर कहाँ से लाए। आगे देखिए, अब यही कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि कोर्स का टाइटल जो आप डालते हैं वो आपको 3 से 8 शब्दों के अंदर रखना होता है, ज़्यादा लंबा टाइटल ना डालें अपने कोर्स का। इसके अलावा कोर्स का डिस्क्रिप्शन देना होता है कि भाई इस कोर्स में ये चैप्टर मैं कराऊंगी और जो है इस कोर्स में ये सारी चीज़ें होती हैं तो मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, जो भी आपका कोर्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, CDP है, कोई भी है, उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है और डिस्क्रिप्शन मस्ट है। कुछ बच्चों ने इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था तो उनके लेसन जो है अप्रूव नहीं हो पाए थे इसी की वजह से, तो जो है डिस्क्रिप्शन ज़रूर दें अपने कोर्स का। इसके अलावा लेसन, तो लेसन का टाइटल देना होता है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका टाइटल आपको ज़रूर देना होता है, देने के साथ साथ टाइटल को एक्सप्लेन भी करना होता है कि भाई मेरा टाइटल ये है और इसमें हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है, समाज है तो समाज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप चैप्टर में बता देंगे।
इसके अलावा लेसन का भी डिस्क्रिप्शन आपको देना होता है, जो कि मस्ट है कि आज इस हमने समास के बारे में पढ़ा है, तो समास के भेद पढ़े हैं, ये समास के भेद होते हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, जो आपका लेसन का डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। तो उसको खाली ना छोड़ें, ठीक है, वो भी ज़रूरी है लिखना, तो उसे ज़रूर लिखें। तो ये सारी चीज़ें थी कि आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है अपना लेसन बनाते टाइम। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे तो आपका लेसन जो है एक बार में ही आपके पांचों के पांचों लेसन अप्रूव हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, आपको लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि वो भी यही चीज़ें मांगते हैं अनअकैडमी वाले, वही चीज़ें मैंने आपको बताई है, कहीं से कुछ नई चीज़ मैंने आपके आपको ला के नहीं बताई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है उनकी नीड्स को पूरा करना है, जो वो चाहते हैं उस चीज़ को पूरा करना है, तो आपका लेसन पक्का ही अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो डरे नहीं, ये सारी चीज़ों को फॉलो करें और अपने पांच के पांच लेसन फटाफट से अप्रूव करवा लें। तो फिर चलिए इस वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कहीं का भी हो, कहीं में आपके चैप्टर से डाउट है या जो है अनअकैडमी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये बच्चे पूछ रहे थे कि अब जो नया अपडेट आया है क्या उसमें भी हमें ये पांच लेसन बनाने हैं, तो जी बिल्कुल बनाने हैं। इस पे मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, उस पे भी बता दिया था कि पांच लेसन तो आपको बनाने ही बनाने हैं, जो नया अपडेट आया है मार्च 2020 का उसके अनुसार भी बनाने हैं। ये पांच लेसन बनाने के बाद चीज़ें बदलेंगी कि अब आपको लाइव पढ़ाना होगा, रिकॉर्डेड लेसन नहीं चलेंगे, तो वो बात की बात है। पहले जो पांच लेसन बनाएंगे ये तो बनाना ही है, नए अपडेट के बाद भी बनाना है, ठीक है। तो फिर अब चलिए, थैंक यू सो मच।